नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी व्याख्याता। साथियों, आज मैं उन लोगों से बात करूंगा जितने भी स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बहुत परेशान हो चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सालों से मेहनत कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं साथियों, एक बार कमेंट करके बताना कि सर इतना पढ़ लिए, पता नहीं एक नंबर से, दो नंबर से, पांच नंबर से सिलेक्शन होता ही नहीं है। मतलब इतनी ज़बरदस्त परेशान हो चुके हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। साथियों, आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने मेरी कही हुई बात को अगर फॉलो किया, आपने मेरी सारी बातों को अगर फॉलो किया, तो इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथियों, याद रखना कि अगर आपने मेरे से, अगर आप पढ़ रहे हो साथियों, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कुछ न कुछ कमियां होती है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती है, बार बार हम उन कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे मित्र मेरे को ऐसे मिले हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के इस तरह के कमेंट आए, बहुत सारे स्टूडेंट के फोन आए, उसके बाद में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, आप पूरे वीडियो को सुनिएगा, एक एक बात सुनिएगा। साथियों, बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए। साथियों, मैं सिलेक्शन का दावा करता हूं कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, सिलेक्शन होगा आपका, निश्चित रूप से होगा, बस आप जुड़िए। मित्रों, सुनिएगा आज सिलेक्शन नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। साथियों, सिलेक्शन क्यों नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, नहीं होता है, बार बार रह जाते हैं, बार बार सिलेक्शन, कभी एक नंबर, कभी दो नंबर, कभी तीन नंबर, पांच नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीजन है, एक एक कारण सुन लेना। साथियों, अगर आपको लगता है कि सर वाकई ही आपने बहुत जबरदस्त बात बताई है, आप निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा। साथियों, और आपको मैं दावा करता हूं, जो भी मेरे साथ जुड़कर के पढ़ रहा है, सिलेक्शन का मैं दावा करता हूं साथियों, सिलेक्शन कैसे नहीं होता है आप देखिएगा, सिलेक्शन होके रहेगा आपका। सुनिएगा अब एक एक बात को, सिलेक्शन बार बार सिलेक्शन की दौड़ से रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं सुनो, अब फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई से भी ग्रेड हो, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, यही सबसे मेन रीजन है। सुनो, सबसे पहले बात, हम लोग क्या करते हैं साथियों, एक बार हमने नोट्स बना लिए, एक बार हमने नोट्स बनाए, इनको हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर एक बार नोट्स बनाने के बाद में पढ़ लिया, एक बार पढ़ा हमने, दोबारा पढ़ा, अब सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं हम लोग, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार पढ़ने पर, दो बार पढ़ने पर पेपर हमने दे लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, इन नोट्स को रद्दी बना दिया, इन नोट्स को हमने क्या कर दिया, रद्दी बना दिया साथियों। फिर हमने दोबारा क्या किया, हमने नोट्स बनाए, दो बार नोट्स बनाए, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर इनको भी रद्दी कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक वीडियो देखा, उसने बताया कि ये किताब लेके आओ, इस किताब से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, फिर हमने क्या किया, उस किताब को ले लिया, जो आपने नोट्स बनाए थे वो रद्दी कर दिए, दोबारा नोट्स बनाए वो रद्दी कर दिए। अरे जब इनको ही बनाया था, इन नोट्स को बनाने में इतनी मेहनत करी थी, तो फिर इसके ऊपर विश्वास क्यों किया, क्या जितनी बार इन नोट्स को पढ़ सकते थे उतनी बार इसको पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो एक सबसे बड़ा कारण अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बार बार नोट्स को बदलना, बार बार नोट्स
को बदलना पहला सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, बार बार गाइड को बदलना दूसरा कारण है। अरे इन बार बार इन नोट्स को मत बदलो, 10 बार पढ़ो इनको, बार बार रिवाइज करो इनको, गाइड को बार बार मत बदलो, इन वीडियो को बार बार मत देखो। ये वीडियो जो बना रहे हैं ना बार बार, ये गाइड, उस गाइड का रिव्यू पढ़ लिया, उस गाइड का रिव्यू पढ़ लिया, उस किताब का रिव्यू पढ़ लिया, उसका ये कर लिया, ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए सिलेक्शन नहीं होने का कारण है। ये बात मान लेना साथियों। अगर आपको लगता है कि सर वाकई ही जेन्युइन बात कर रहे हैं, साथियों चैनल से जुड़िए, मैं कह रहा हूं आपसे सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। बात पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। जो मैं कह रहा हूं मित्रों, उन सारी बातों को अगर फॉलो कर लिया ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आप लोगों का, ये दावा करता हूं आपसे। तो बार बार गाइड को बदलना ये भी सिलेक्शन का एक तरह से नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है। मानता हूं मैं सिलेबस चेंज हो गया, बदलो आप गाइड। अरे जब सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं है, वही सारी चीजें हैं, तो क्यों बार बार बदलते हो? मत बदलो। अरे जिस चीज को आपने 5 बार पढ़ा था, 10 बार पढ़ा था, अगर उसको 11 बार पढ़ोगे तो नई चीज, नई गाइड इतनी समझ में आएगी या जो पुरानी गाइड आप पढ़ रहे थे वो समझ में आएगी? आप खुद बताओ मुझे। तो ये भी सिलेक्शन नहीं होने देता। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बार बार नोट्स को मत बदलिए, बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिए, बदलिए मत, रिवाइज कीजिए। बार बार गाइड को मत बदलिए, उनको गाइड को बार बार, उस गाइड को रिवाइज कीजिए। ये सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी बात, यानी कि साथियों अब तीसरे नंबर की बात मैं आपसे बताता हूं। जो नोट्स आपने बनाए हैं उन पर विश्वास करें। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं होता। आपने तो किसी का वीडियो देखा, उसने कहा ये नोट्स इतने बढ़िया हैं, ये कर लो वो कर लो, और आप वहां चले गए और आपने वो ले लिए जो आपने मेहनत के साथ जो बनाए थे, उनको छोड़ दिया और उसमें लग गए। आगे पेपर न यहां पर पादरे पड़े न वहां पर पादरे पड़े। अब सोचो आप, ये सबसे बड़ा रीजन होता है सिलेक्शन नहीं होने के पीछे। तो नोट्स जो बनाए हैं उन पर विश्वास करें, विश्वास करें। फिर कह रहा हूं आपसे मित्रों, मैं जो बता रहा हूं ना आप लोगों को, मान लीजिए ये मत कीजिए आप, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मानो इस बात को, समझो इस बात को, ठीक है। बार बार नोट्स मत बदलिए, उनको ही 10 बार रिवाइज कीजिए, 15 बार रिवाइज कीजिए, 20 बार रिवाइज कीजिए, उन्हीं नोट्स के शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए सिलेक्शन क्यों नहीं होता, फिर देखिए आप लोग सक्सेस क्यों नहीं होते। मानिए मेरी बात को साथियों, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो बंदा मेरे से जुड़ गया उसको सिलेक्शन लेके दिखाएगा वो। मैं कह रहा हूं आपसे, जो मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी साहित्य का इतिहास रीट के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए गारंटी है मेरी। जो फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की मैंने जो टेस्ट सीरीज कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर डाली हुई है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो मैंने कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर डाली हुई है, आप ज्वाइन कीजिए, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये दावा है मेरा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सोच लेना आप लोग। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ लेना साथियों, कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। लेकिन जो गलतियां आप करते हुए आ रहे हो, आज से इस वीडियो को सुनने के बाद में वो गलती नहीं होनी चाहिए, भर देना सबको कट्टों में। और एक ही याद रखना, जिनको तुमने बार बार पढ़ा है, जिनको तुमने अपनी मेहनत से बनाया है, उनके ऊपर विश्वास करना। ये ध्यान रख लेना, सिलेक्शन नहीं होने के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन होता है, बार बार नोट्स को बदलना, बार बार गाइड को बदलना, ठीक है। याद हो गई बात, तो जो नोट्स आपने बनाए हैं उन पर विश्वास करें। चौथी बात,
नई वैकेंसी आई फर्स्ट ग्रेड की, किसकी आई? फर्स्ट ग्रेड की। तैयारी किसकी कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे सेकंड ग्रेड की। किसकी कर रहे थे? सेकंड ग्रेड की। वैकेंसी की तैयारी तो सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, और जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई, दिमाग खराब और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में चले गए। अरे आपने जो 3 साल से लगातार, 5 साल से लगातार जो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, वो तो सारी गई भाड़ में, उसको तो कर दिया आपने बर्बाद, और आप लग गए फर्स्ट ग्रेड में। एक सबसे बड़ा कारण होता है डिसीजन नहीं कर पाना। आप अपने आप से डिसीजन नहीं कर पा रहे हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, मैं रीट की तैयारी करूं, मैं किसकी तैयारी करूं। यह डिसीजन नहीं कर पाना भी, बार बार अपने सिलेक्शन को बार बार बदलना कि मैं फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, जिसकी वैकेंसी आते हो वहीं आप कूद जाते हो। अरे इंतजार तो करो, जब फर्स्ट ग्रेड की आई है तो सेकंड ग्रेड की भी आएगी, जब सेकंड ग्रेड की आई है तो थर्ड ग्रेड की भी आएगी, सबकी वैकेंसी आने वाली है। पटवारी की भी आएगी, सबकी वैकेंसी आएगी। जिसकी तैयारी कर रहे हो ईमानदारी से उसी की तैयारी कीजिए, नहीं तो सिलेक्शन बार बार नहीं होगा। मानिए मेरी बात को, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। आप कहते हो ना सर 2 नंबर से रह गया, सर 5 नंबर से रह गया, सर 3 नंबर से रह गया, इसी वजह से रहते हो, ये कारण है। तो साथियों एक सबसे बड़ा कारण ये हो गया। समझ में आ गई बात? और सुनो साथियों, आप तैयारी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे, वैकेंसी आ गई सेकंड ग्रेड की, और सेकंड ग्रेड में इतने सारे पद आए हैं, चलो यार सेकंड ग्रेड की कर लेते हैं, वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की गई भाड़ में। अरे 2 साल से जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे सारी आपने भाड़ में झोंक दिया उसको, फिर कह रहे हो सिलेक्शन नहीं होता है। इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता भाई, सुनो बात। आज मैं कड़वी बात बता रहा हूं साथियों, कड़वे वचन बोल रहा हूं, सुन लेना अगर दम हो तो आप लोगों में कान खोल के, कि वाक्य में इस सर यार बहुत जेन्युइन बात बता रहे हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे मैं फिर कह रहा हूं, मैं वादा करता हूं मेरे साथ साथ जितने भी हिंदी के बंदे हैं, जितने भी फर्स्ट ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बंदे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी, मैं दावा करता हूं इस बात के लिए, अगर आपने मेरे साथ साथ पढ़ा, आपने जो मैंने कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर जो मैंने टेस्ट सीरीज दी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, वो ज्वाइन करी, फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। आपने मेरे नोट से अगर पढ़ाई करी, मैं ये नहीं कहता आप मेरे से ही पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं आप लोगों से, विश्वास करने वाली बात है, आपको विश्वास करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। अगर उनमें 1% भी सच्चाई आपको लगती है कि सर ऐसा हुआ है, फिर कहते हो। पांचवी बात, धीरे धीरे बढ़ती गई एज, आ गए 30 से 35 साल में, आ गए 40 साल में, आ गए 42 साल में, डीमोटिवेट होने लग गए। क्या होने लग गए? डीमोटिवेशन आने लग गया धीरे 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 धीरे। अब क्या होगा? जैसे ही डीमोटिवेशन आया, फैमिली बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, लोग ताने मारने लग गए, डीमोटिवेशन होने लग गया। फिर क्या होगा? मन नहीं लग रहा, दिमाग खराब रह रहा है। मत भटकिए, किसी की मत सुनिए, आप मन की सुनिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। मैं आपसे कहता हूं सिलेक्शन होगा। तो साथियों जो ये गलतियां आप कर रहे हो, बार बार इन गलतियों को दोहरा रहे हो, मत करना। जो नोट्स आपने बार बार पढ़े हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, उन पर विश्वास करके उनको ही पढ़िए। बार बार गाइड को बदलने की जरूरत नहीं है, एक गाइड रखिए और उन पर, उस पर विश्वास करके उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। जो नोट्स बनाए उन पर विश्वास करें, और नई वैकेंसी आने पर अलग अलग वैकेंसियों में मत कूदिए। जिसकी तैयारी कर रहे हो उसी पर डिफेंड रहिए, उसी की तैयारी करते रहिए, 100% सिलेक्शन होगा। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, देखते हैं फिर कौन रोकता है आपके सिलेक्शन को। और एक डीमोटिवेशन अपने मन में कभी भी मत लेके आइएगा। हो गई बात? समझ में आ गई? अब आगे और सुनो। अब आप कहोगे सर इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है,
ये सारी बातें अगर आपको लगती है साथियों वाकई में कि इन चीजों से हम परेशान हो चुके हैं, तो एक बार कमेंट जरूर करना मित्रों, और मैंने सत्य अगर बात बताई है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं कहता हूं मेरे साथ साथ तैयारी कीजिएगा। मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत 80% करवा दिया है इसी चैनल पर, आप देखिएगा वीडियो। मैंने काव्य शास्त्र अभी खत्म होने वाला है, रस अभी चल रहे हैं, आप देखिएगा वीडियो, बहुत तगड़े नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं। एक एक वीडियो को देख करके नोट्स बनाइए और फिर सक्सेस को आप लेके जाइए, कौन रोकता है आपको सक्सेस होने से। साथियों बार बार मैं 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, 43 साल की मेरी उम्र हो गई, याद नहीं हो रहा है, बार बार ये आपके मन में डीमोटिवेशन लेके मत आया करो, उम्र के रोने मत रोया करो। मैं फिर कह रहा हूं 47 साल की उम्र में भी सिलेक्शन लिया है उस महिला ने जो बाड़मेर की रहने वाली है, उमा देवी, आपने सुना होगा नाम साथियों। अब सोचे आप लोग, उसने नहीं लिया क्या सिलेक्शन? उसका बेटा बीए फाइनल ईयर में पढ़ता है, उसने सिलेक्शन नहीं लिया क्या? आप सोचिए। तो साथियों यही चीज होती है, उम्र एक नंबर होता है, अगर आपने ठान लिया, आपने मान लिया, आपने जान लिया, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए जुड़िए मेरे से, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं नोट्स दे रहा हूं, उन नोट्स को पढ़िए साथियों। कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज मैंने दी है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, मत भटके इन महंगी महंगी टेस्ट सीरीज में, मत लीजिए, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं फिर कह रहा हूं, आपको मैं यहां पर इसी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का मैं कोर्स करवा रहा हूं, आप पढ़ते जाइए, ईमानदारी से मेहनत करते जाइए साथियों। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में सबके मैंने लिंक दिए हुए हैं, कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एक नोट्स के नाम से, हिंदी नोट्स के नाम से एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। मेरी बात में अगर आपको लगती है सच्चाई तो निश्चित रूप से जुड़िएगा, और कमेंट आपका आना चाहिए कि सर ये गलतियां हमारी बहुत बार रही है, हमने ऐसा किया है, तो मैं मानूंगा साथियों। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास है तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।